आ, नमस्ते सर नमस्ते आ, सर सोलह या सत्रह साल की उम्र से मेरा वन साइडेड टीएमजे डिफॉर्म मतलब होना शुरू किया डिस्क आउट हो गई थी तो जानकारी नहीं थी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट में कन्फर्म हुआ कि एक डिस्क आउट है और फिर सेकेंड भी डैमेज हुई और फिर वो डिफॉर्मिटी बढ़ती गई फिर थर्टी थ्री में काफ़ी हैवी सोफे अपलिफ्ट किए तो उसके कारण स्लिप डिस्क हुआ और सेम ईयर में आ, मैं हलासन में घूम गई तो वहाँ मुझे सर्वाइकल स्टार्ट हुआ तो फिर नेक्स्ट मतलब ये लास्ट टेन ईयर्स में काफ़ी मतलब वेट गेन भी हो गया और काफ़ी हेल्थ इशू भी बढ़ते जा रहे हैं और अभी मेरा डेढ़ साल में तीन फ्रैक्चर हुए आ, रिस्ट का मतलब राइट रिस्ट फिर आ, राइट लेग में दो फोर्थ टो तो, और अभी अनला में मेरा लिगमेंट तेयर है तो, तो कुंभक तो, मेरी तो, कैसे हेल्प कर पाएगा मतलब अगर सपोज मैं प्रोग्राम ज्वाइन करती हूं तो पहली आप तो अभी आपको जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसने कोई हेल्प किया नहीं सर एक्चुअली ट्रीटमेंट तो मतलब वही है कि यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मिले वहाँ मतलब क्या होता तो, है कि तो, आ, कितना ट्राई कर लो पर कुछ हेल्प नहीं हुई और डिफॉर्म मतलब तो क्योंकि आप नहीं हो रहा है तो आप समझ नहीं पाए ना प्रॉब्लम को पहले इसीलिए मैं बता रहा हूं अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है अब एक और क्वेश्चन है इसी चीज़ को लेके डी डिस्क डिजीज ठीक है ना अलग अलग रीजन में सबका होता है क्योंकि अलग अलग रीजन किसी का एक आ, वीक होगा कहीं पे कहीं पे स्ट्रांग होगा वो बॉडी के नेचर के हिसाब से भी होता है मगर अगर शरीर पर ठीक से काम किया जाना तो शुरुआत करते हैं डी क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर पहले डीजनरेशन देखते हैं उसके बाद में फ्रैक्चर आप देखो डी जनरेशन अगर ठीक नहीं होगा रीजनरेशन की कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाओगे अपने बॉडी की तो ऑब्वियसली आपके बोन रीजनरेट नहीं होंगे बोन में ब्रिटल uh, हो जाएंगे ऑस्टोपरोसिस हो जाएगा फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं केवल बोन की बात तो हमें साफ दिखाई दे रही है मगर मसल भी आप देखेंगे उनकी फंक्शनल कैपेसिटी कम होगी नर्व का डिजनरेशन होगा जिससे पेंस एक पेंस इम्बैलेंसेस इन द बॉडी ये हमेशा बढ़ा रहेगा नर्व के साथ में एक और चीज जुड़ी होती है जो कि हार्मोनल फंक्शन होते हैं आपके बॉडी के तो हार्मोनल फंक्शन में भी इश्यूज रहेंगे लेकिन जड़ कहां है शुरुआत कहां थे ये सब तो आप देखेंगे कि उसके बाद हुआ ना जो आपका रीज ठीक नहीं था उसके बाद में ये इश्यूज बढ़ते गए क्योंकि कोई इलाज तो है ही नहीं इसका कोई इलाज तो है ही नहीं इसका तो इसको कोर कोर पे आ जाते हैं क्योंकि ये काफी उम्र की शुरुआत में हुआ इसका मतलब क्या कि आपके शरीर में एक चीज अगर ऑब्जर्व किया होगा आपने तो देखा होगा कि डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं वो रहे और उनको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया हाँ तो ये ये डाइजेस्टिव इशू शुरुआत में कई बच्चों में होते हैं उसकी वजह से उनके शरीर में काफी समय तक कॉन्स्टिपेशन भी होता है वो ध्यान ही नहीं देते क्योंकि आ, फोकस कहीं और पे होता है कई बार बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी बहुत कम भोजन ले रहे हैं भोजन ठीक नहीं ले रहे हैं या फिर उनके इच्छा ही नहीं है खाने की इच्छा ही नहीं है क्योंकि कुछ खाते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इस वजह से उनका पूरा सिस्टम हिला हुआ होता है अब ऐसे में अगर उस टाइम पे शरीर पे कुछ फंडामेंटल चीजें करवा दी जाए जैसे एक छोटे बच्चे की अगर केवल शरीर का अलाइनमेंट ही करने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाए जिसमें यह भी हो सकता है देखो पहले आ, हमारे घर में ना दादी नानी होती थी वो बच्चे को देखती थी अरे पेट दर्द हो रहा पेट है पेट खराब है डाइजेशन ठीक नहीं है पाचन ठीक नहीं हो रहा तो कहेंगे कि धरण है भाई इसको इसकी धरण ठीक कर दो यानी नाभि जो का पोजीशन जो है ना उसको सही लेके आते थे उसकी देखिए हर एक घर में अलग अलग तरीका होता था कई जगह पे क्या होता था कि वो कहते थे कि जो छोटे बच्चे होते थे चाहे टीन एजर्स हों उनको कह देते थे पाओं को मारो पहले वो देख लेते थे कौन से तरफ में इम्बेलेंस कहते थे इस तरफ में पाओ को मारो झटका दो या फिर वो पाओ को खींच लेते थे या फिर किसी एक इंसान को जो आसपास में रहता है उसको बोलते थे इसकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा स्ट्रेच करवा दीजिए तो आपके बॉडी को थोड़ा सा पकड़ के इकट्ठा करके खींच देते थे और भी तरीके थे नाभि को ठीक करने के लिए और अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए जो कि घर घर में लोग जानते थे इस बात को और वो कर दिया करते थे खास करके वो ज्यादा ऑब्जर्व करते थे अपने बच्चों को कि भाई ये ये, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है 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 ना बार बार फीवर आ रहा है कभी किसी को तो देख रहे थे अरे इसका तो नाभी गड़बड़ है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती थी छाती में मालिश की जाती थी हाथ खींच के जिससे कि कौड़ी का अलाइनमेंट हो जाता था है ना पाओ को मारना हो गया हाथ खींच के छाती में मालिश करना या पीठ पीठ के पीछे मालिश करना इससे कौड़ी का अलाइनमेंट होता है मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट हो जाता है तो ये कॉमन समझ थी पहले और वो ना अभी क्या है हम कोई भी एक छोटे बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है सर्दी जुकाम भी आ जाता है डॉक्टर के पास लेके भागते हैं जबकि आपको मालूम है सर्दी जुकाम का को कोई इलाज नहीं होता लेकिन उसको फिर भी पांच गोलियां पांच दवाइयां खिलाएंगे अलग अलग सिरप खिलाएंगे और पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे थोड़ी समय के लिए उस वो वो मास्क तो हो जाती है डिजीज ना मास्क हो जाती है मगर वो अंदर ही अंदर फिर बढ़ जाती है तो अगर छोटे बच्चों को एक्टिविटी में डाला जाए और अलाइनमेंट और एक्टिविटी ये दो चीजें अगर उनको सिखाई जाए खास करके बहुत जरूरी है हमारे गुरुकुल परंपरा में ना ये चीजें बहुत इनबिल्ट था कि बच्चों को डांस सिखाना ठीक है ना डांस सिखाया या कलरी पैड जैसा मार्शल आर्ट की तरीके या फिर गायन सिखाया इसकी वजह से भी ना एक रिदमिक प्रेशर लगता है आपके बॉडी में जिससे डाइजेशन ठीक होता है जिससे रीजनरेशन बढ़ता है तो आज तो एजुकेशन में है ही नहीं वो पार्ट कैसे अपने आप को आप ठीक रखें हेल्दी रखें और आपके टैलेंट उठें मैक्सिमाइज हो ये तो है ही नहीं है, एजुकेशन एजुकेशन के सिस्टम में तो करना क्या चाहिए शुरुआत में अभी आप क्या कर सकते हैं तो क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे करते करते सालों साल बीत जाता है बीत जाते हैं उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो क्या शुरू हो जाएगा कहेंगे जी पार्किंसन शुरू हो गया हाथ पांव कांपने शुरू हो गए डिमेंशिया हो गया शुरू याददाश्त नहीं रहती और इमोशनली डाउन डिप्रेशन में जा रहे हैं या बाइपोलरिटी की सिचुएशन में आ रहे हैं कई लोग स्किजोफ्रेनिया तक पहुंच जाते हैं एक भी मेंटल डिजीज ठीक नहीं कर पाए सौ साल में मुझे बताइए एक डायबिटीज ठीक हुआ है एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट ठीक हुआ है दवाई लेके एक थाइड का मरीज ठीक हुआ है मुझे बताइए पिछले पच्चीस साल में तीस साल में जो थायराइड का प्रकोप एकदम से आया एक इंसान भी ठीक हुआ है एक भी तो ठीक नहीं हुआ और तो एक इंसान ठीक हुआ है एक भी तो ठीक नहीं हुआ फिर तो सारी गड़बड़ थी है मैंने देखा है कि एक बार अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गए तो लाइफ लॉन्ग हो गया उसके बाद में देखो आपका जन्म भी डॉक्टर ही डिसाइड करेगा मृत्यु भी डॉक्टर डिसाइड करेगा तो ये तो बहुत गलत चीज है ये तो आपकी लाइफ देखो बाकी कोई कर रहा है उसके बारे में क्या बोले हम लेकिन हमारी लाइफ खराब हो रही है जी। तो अभी तो पूरा काम करना पड़ेगा पूरा होलिस्टिकली काम करना पड़ेगा वो जैसे मैंने बताया शरीर की जितनी शक्तियां कमजोर है अलाइनमेंट खराब है उन सबको ठीक करना पड़ेगा ना जी। और वो कैसे ज्ञान से ठीक होंगे मैंने आपको आइडिया तो दे दिया मगर क्या ऐसे इतने ज्ञान से क्या हो जाएंगे नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं शरीर पे सही तरीके से काम करेंगे ठीक हो जाएंगे टाइम अलग लग सकता है अगर किसी को चालीस साल पुराना रोग है नहीं, नहीं, तो उसको कम से कम एक साल तो देना पड़ेगा अपने शरीर को मौका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा तो वही आपको थोड़ा अपने शरीर को मौका देना पड़ेगा टाइम अलग अलग लग सकता है मगर सही काम करना शुरू करेंगे आपको इमीडियो पता चलेगा ओ इस तरीके से तो हम ठीक होने की तरफ में जा रहे हैं तो okay, इस पे काम करना शुरू कीजिए मूलभूत शक्तियों को वापस लेके जैसे मैंने बताया कि इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना है इसका अलाइनमेंट ठीक करना है इसका बैलेंसिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना है इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है ये कुंभक से ही होगा तो कुंभक करेंगे आपको बहुत फायदा होगा बहुत फायदा होगा लाइफ चेंज हो जाएगी आप जी सर थैंक यू